बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं तैयार हूं आपके वचनों को सुनने के लिए, उन्हें ग्रहण करने के लिए। मैं तैयार हूं, मैं अपने दिल को खोलता हूं, इसे ग्रहण करने योग्य बनाता हूं। आज जो कुछ मैं सुनूं, मैं 100 गुना फलों को लेके आऊं। अंधकार की शक्तियां इन वचनों को चुरा ना सके। आज जितने काम मैं आपके देखूं, मैं उन्हें स्वीकार करूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ऊंचा आशीष ऊंचे, तारीफ करो जोर से, जोर से, जोर से। स्वागत है जीवित परमेश्वर के जीवित हजूरी में, आमीन। बैठ जाओ अपने शरीर में। पिछले हफ्तों में हमने सुना गैर भाषा के विषय में कि गैर भाषा हमारे लिए हथियार है। बोलो अपने पड़ोसी को, गैर भाषा एक हथियार है, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें बिना हथियारों के नहीं छोड़ा। तुम एक युद्ध में हो, तुम्हारा युद्ध शैतान के साथ, अंधकार की शक्तियों के साथ। अगर तुम उनको हराना चाहते हो तो तुम्हें आत्मिक हथियारों की जरूरत है, और गैर भाषा तुम्हारा आत्मिक हथियार है। क्या है गैर भाषा आपका? जैसे ही आप गैर भाषा में प्रार्थना करेंगे, जो शैतान ने छीना है और जो अपना बना के बैठा है, उसे रिलीज करना होगा आपकी लाइफ के लिए। और आज से जैसे ही आप गैर भाषा में प्रार्थना करना शुरू करेंगे, शैतान आपके सामने सरेंडर करना शुरू कर देगा। मैं आपको सच कह रहा हूं, जितनी ढिठाई की आत्मा आपके फैमिली में काम कर रही है, घुटनों पे आने वाली यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार है दूसरे हथियार के बारे में सुनने के लिए? अगर आपको इस हथियार के बारे में मालूम है कि गैर भाषा मेरे लिए एक हथियार है, ये परमेश्वर ने मुझे सिर्फ एक निशानी के रूप में नहीं दिया, परमेश्वर ने मुझे एक हथियार के रूप में दिया कि जब मैं इसे बोलूंगा, मैं परमेश्वर की भाषा बोलूंगा, वो प्रार्थना करूंगा जो पवित्र आत्मा मेरे अंदर से करना चाहता है, जिसे मैं अपने शब्दों में नहीं कर सकता, वो विषय जिसे मैं जान नहीं सकता, वो मेरे पास्टर के लिए हो सकती है, मेरे भाई के लिए हो सकती है, दूर बैठी किसी कलीसिया के लिए हो सकती है। और जैसे ही आप अपने जीवन को, अपनी लाइफ को, अपने मुंह को, अपने शरीर को परमेश्वर की आत्मा के एक एक मीडियम के रूप में देंगे, आप खुद भी ब्लेस होंगे। और इसीलिए पवित्र आत्मा आपके बीच से होके प्रार्थना करता है। बाइबल कहती है वो आहें मार के, हे अब्बा हे पिता कह के, पिता की मर्जी के अनुसार पवित्र लोगों के लिए विनती करता है, आमीन। तो गैर भाषा सिर्फ एक निशानी नहीं कि आपके पास पवित्र आत्मा है, गैर भाषा एक हथियार है जिसे आपको इस्तेमाल करना है और अपनी लाइफ को सीधा करना है। क्योंकि याद रखो, बाइबल कहती है कि आसमान से अब कुछ नहीं उतरना, परमेश्वर ने कुछ नहीं करना, उसने क्रूस पे आखिरी शब्द बोले थे, सब कुछ पूरा हुआ, यानी सब काम पूरे हो चुके हैं। अब आपको उन कामों पे विश्वास करना और उनका एडवांटेज लेना, कैसे? इन आत्मा की बातों की नॉलेज रख के, आमीन। दूसरा हथियार जो आज हम बात करेंगे वो है आत्माओं की परख। ये सबसे कम समझा जाने वाला हथियार है एक कलीसिया में। आत्माओं की परख लोग इस तरह से समझते हैं कि आत्माओं की परख का मतलब नहीं, ये मिनिस्ट्री सही नहीं है, ये मिनिस्ट्री सही है, या नहीं नहीं ये पास्टर सही नहीं है, नहीं नहीं ये प्रॉफिट सही नहीं है। ये आत्माओं की परख नहीं है, ये आप जजमेंट दे रहे हो और आप जज नहीं हो। मैं ये नहीं कह रहा कि ये ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा है, लेकिन ये एक छोटा सा हिस्सा है, स्मॉल हिस्सा है, पूरा वरदान नहीं है किसी को परखना। नहीं ये शैतान है, नहीं ये चर्च शैतानी है, नहीं नहीं ये पास्टर शैतान, नो नो नो, ये पूरा आत्मा की परख वाला हथियार नहीं। आत्माओं की परख आप इस तरह से समझते हो कि आपकी लाइफ में क्या घट रहा है और उसे उसके पीछे कौन सी आत्मा है। आज बहुत से विश्वासी बीमारी का, अफ्लिक्शन का आत्मा उनकी लाइफ में काम कर रहे हैं। वो एक बीमारी से छूटते हैं, दूसरी में फंसते हैं, दूसरी से निकलते हैं, तीसरी में फंसते हैं, तीसरी से निकलते हैं, चौथी में फंसते हैं, वो निकलते हैं, उनका पति फंस जाता, पति निकलता है बेबी फंसता है, बेबी निकलता है मां फंसती, मां निकलती बाप फंसता है। ये एक बीमारी का आत्मा है और ये अफ्लिक्शन का आत्मा है। और जिसकी लाइफ में ये आत्मा काम कर रहा है, वो बंदा
क्लियरली और पूरी तरह से डेडिकेटली परमेश्वर की सेवा नहीं कर पाता और ना ही उसके काम कर पाता। आत्माओं की परख आपको इसलिए दी है कि आप अपने जीवन में होने वाली घटनाओं को जो आपकी लाइफ में घट रहे हो रहे आप ये परख सके कि इसके पीछे कौन सा आत्मा है, क्योंकि परमेश्वर अच्छा है और उसकी सब बातें अच्छी हैं। ये शैतान है जो बुरा है और उसको समझने की और उन आत्माओं को परखने की आपको जरूरत है। हालेलुया। बाइबल कहती है नहेम्या ने जब फाटकों को बनाया तो एक फाटक था घोड़ा फाटक। घोड़ा मतलब स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ, शारीरिक ताकत। और बाइबल कहती जब घोड़ा फाटक गिरा हुआ था, जला हुआ था, टूटा हुआ था, इसका मतलब अगर आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ कंप्लीट नहीं है तो आप परमेश्वर का काम नहीं कर सकते। और स्पिरिट ऑफ अफ्लिक्शन ये एक बीमारी का ऐसा आत्मा है जो विश्वासियों के ऊपर अटैक कर रहा है ताकि वो सही तरीके के साथ परमेश्वर की महिमा ना कर सके। और आप परमेश्वर से विनती कर करके थक जाएंगे, कुछ नहीं होगा जब तक आप डंडा नहीं उठा लेंगे इस आत्मा के खिलाफ और इसको भगाएंगे नहीं अपनी लाइफ से। डंडे के साथ, आत्मा के साथ भगा के, इसको फास्टिंग के साथ आप इसको भगाएंगे, आपको निकालेंगे नहीं, डंडे के साथ भगाएंगे आप। आत्माओं की परख एक ऐसा हथियार है जिसे आप अगर समझ जाएं, क्योंकि अगर आपको प्रॉब्लम की समझ आ जाए तो आपका 50% हल उसी दिन हो जाता है। डॉक्टर भी तब तक दुविधा में रहता है और टेंशन में रहता है जब तक बीमारी का पता नहीं चल जाता। बीमारी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, टीबी क्यों ना हो, जैसे ही मालूम होता अच्छा टीबी है, डॉक्टर रिलीफ में आ जाता, उसे मालूम है कि 50% हल हो गया, बाकी 50 दवाइयों के साथ कर लेंगे। हाँ या ना? आत्माओं की परख एक ऐसा हथियार है जिसे आपने ध्यान से समझना है आज। अपने हाथों को उठा बोलो, परमेश्वर मुझे यह वरदान दे और मेरी समझ को खोल दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा आशीष आपकी चर्च। बीमारी का आत्मा एक ऐसा आत्मा है जो आपको आगे नहीं बढ़ने देगा, आपकी मनी वेस्ट करवाएगा, आपकी स्ट्रेंथ वेस्ट होगी, आपके विश्वास पर भी वो उंगली उठाएगा और ये परमेश्वर की ओर से नहीं। और इसीलिए परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें आत्माओं की परख का वरदान दिया है और अगर तुम्हारे पास नहीं है तो तुम मुश्किल में हो, तुम्हें मालूम ही नहीं हो क्या रहा है मेरी लाइफ में। नहीं तो कुछ सिस्टर्स हस्बैंड चेंज कर करके थक जाएंगी डाइवोर्स के बाद डाइवोर्स, उन्हें लगेगा ये शराब पीता था, नहीं ये चोर है, नहीं ये बदकार है। प्रॉब्लम ये है कि जब कर्स आपकी लाइफ पे होगा और डाइवोर्स का आत्मा होगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगर अच्छा हस्बैंड मिल भी गया वो भी बिगड़ जाएगा। और जिस दिन आप समझ गए कि ये एक दुष्ट आत्मा है, ये कर्स है, ये जनरेशनल कर्स मेरे पीछे आ रहा है, जब आप उसे प्रार्थना में बैठ के तोड़ोगे वही शराबी सुधरा हुआ बैठेगा आपके पास। आज से कुछ महीने पहले जब मैंने अपनी वाइफ, मेरी वाइफ ने पासपोर्ट दिया यूके की एम्बेसी के लिए, मैंने ज्यादा गौर नहीं किया क्योंकि मैं कभी भी, हमारे लिए नॉर्मल सी चीजें, और वीजा नहीं आया, रिजेक्ट हो गया, मैंने ध्यान नहीं दिया। दूसरी बार दिया कनाडा के लिए, रिजेक्ट हो गया, मेरे को बिल्कुल ध्यान नहीं, मैं अपने कामों में बिजी हूं। तीसरी बार जब रिजेक्ट हुआ मैंने बैठ के सोचा, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, ये पॉसिबल नहीं कि हमारे पास इतनी ब्लेसिंग्स हों। और तब होली स्पिरिट ने मुझे बताया कि ये एक स्पिरिट है। एक औरत एक देश की जो प्रेसिडेंट था उसकी वो बेटी बनी हुई थी, है वो उसकी पोती की उम्र की थी, और उसने अमेरिका के लिए वीजा अप्लाई किया और उस प्रेसिडेंट ने खुद लिख के दिया कि इसको वीजा, मैं बोलता हूं इसको दे दिया जाए, और उसका वीजा रिजेक्ट हुआ। वो गुस्सा कर गया, उसने अमेरिका फोन किया, अमेरिकन बड़े अधिकारियों ने लिखा इसको वीजा दिया जाए, फिर लगाया, रिजेक्ट हो गया। फिर अमेरिका के प्रेसिडेंट ने, उस टाइम शायद बुश था, उसने लिख के दिया एम्बेसी वालों ने, फिर भी वीजा नहीं दिया। अब इमेजिन करो, और रीजन क्या निकला कि उसकी उसकी मां ने एक वाचा बांधी थी शैतान की मूर्ति के साथ और उसको ब्लड अर्पण किया था कि मेरी ये बेटी बाहर नहीं जानी चाहिए। और जब उसके बंधन टूटे तो वो बाहर गई। मैंने इसको कहा, मैंने कहा रुक जा, अब मुझे हैंडल करने दे, अब अमेरिका का वीजा है इसके पास, आप समझ रहे कि नहीं। प्रॉब्लम ये है कि जब कोई चीज अड़ती है हमें ये देखना है कि कौन सी आत्मा है इसके पीछे और कौन इसको ब्लॉक करने की ट्राई कर रहा है।
और जब आप हर चीज को स्पिरिचुअली लेते हो, आप उसका हल कर बैठते हो। आप समझ रहे कि नहीं? शैतान यह चाहता है कि आप शर्मिंदा रहे। हां, आपका पति एक ऐसी औरत के साथ फंसा रहे जो आपसे 10 गुना कम सुंदर है, और आप सोच रहे हो मुझमें क्या कमी है। प्रॉब्लम शैतान है। और जब आप स्पिरिट को समझ जाओगे, आप घुटनों पे आओगे और उस आत्मा को डांटोगे, और आपका पति आपके आगे पीछे होगा। जब मुझे मालूम है कि ये फेलियर मेरे बाप दादाओं से मेरे पीछे आ रहा है, और आपको मालूम है ये फेलियर आपके बाप के पास था, आपके दादा गरीबी में रहे, शराबों में रहे, और यही स्पिरिट आपके पीछे है, तो आप फिर मूर्ख हैं अगर आप भी सिगरेट, बीड़ी, दादा की तरह शराब पिएंगे और उनकी तरह नशे करेंगे और डीजे पे नाचेंगे, तो आप उस आत्मा को इन्वाइट कर रहे हो कि आप मुझे भी मार। जब आप ये समझ जाते कि मेरे साथ जो हो रहा है वो आत्मिक है। हालेलुया। आपको मैं ध्यान से समझाता हूं कि आपको फाइट करने के लिए चुना गया। अगर आप फाइट नहीं करेंगे, दूसरी बात, अपनी फाइट नहीं समझेंगे, क्योंकि मेरी फाइट अलग है, इस भाई की अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है, हर बंदे की फाइट अलग है, पर हथियार एक ही है। आमीन। दूसरा शमूएल उसके 11 बाब उसकी 1 आयत में पढ़ूंगा। फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते थे, उस समय वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को, जो अपने संग अपने सेवकों और समस्त इसराइलियों को भेजा, उन्होंने अम्मोनियों का नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलम में रह गया। ध्यान से सुनो, आप ह्यूमन है, मैं एक ह्यूमन हूं, आदमी है हम। कई बार हम आराम करते हैं, सोते हैं, खाते हैं, उठते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन शैतान ऐसा नहीं, वो 24 घंटे अलर्ट है। हाँ या ना? और इसलिए बाइबल कहती है जो कोई स्थिर है वो चौकस रहे, कहीं गिर ना जाए, और जो कोई गिरा हुआ है वो उठे, क्योंकि शैतान 24 घंटे आपको देख रहे हैं। क्योंकि बाइबल कहती है व्यभिचार की एक आत्मा है जो आपके पीछे रहती, और आपको मालूम नहीं। अगर वो आपको अकेले में, आप उसको, उसने आपको घेर लिया, तो आप फाइटर नहीं हो, आप वॉरियर नहीं हो, आप उसके हाथों में हो। आप जो कुछ होगा वो आपकी, आपके आने वाला टाइम शैतान डिसाइड करेगा आप कहां जाएंगे, क्योंकि बाइबल कहती है जो जिससे हार जाता है उसका दास बन जाता है। आप व्यभिचार से हार गए हो, उसके दास बन गए हो, अब आप उसके नौकर हो, वो डिसाइड करेगा आप कहां जाओगे। आप डिसाइड नहीं करोगे कि आप इंग्लैंड जाओगे कि अमेरिका जाओगे, वो डिसाइड करेगा आप कहां जाओगे। बाइबल कहती है कि जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकलते थे, युद्ध करने का टाइम होता था। अब चाइना के कुछ हिस्सों में जो इंडिया का बॉर्डर है, वहां पे इतनी सर्दी पड़ती है, बर्फ पड़ती है, कि सर्दियों में आप फाइट नहीं कर सकते उनसे, गर्मियों का वेट करना पड़ता है। मालूम है कि नहीं? यह भी एक टाइम था लिखा, जिस टाइम राजा लोग युद्ध करने के लिए निकलते थे, उस समय दाऊद ने अपने सेनापति को भेजा, जाओ युद्ध कर, लिखा, परंतु दाऊद यरूशलम में रह गया। लास्ट में क्या लिखा? परंतु। परंतु शब्द तब आता है जब आपने कुछ अलग काम कर दिया हो, कि मैं 10 साल से हर साल इज़राइल जाता हूं, परंतु इस साल मैं नहीं गया। हां, परंतु तब आता है जब आपने कुछ चेंज कर दिया हो, कुछ बदल दिया हो, कुछ अलग डिसीजन लिया हो। लिखा, जब सब राजा लोग युद्ध करने को जाते थे, तो लिखा दाऊद यरूशलम, परंतु दाऊद यरूशलम में रह गया। जिस टाइम फाइट करने का टाइम था, उस टाइम वो यरूशलम में रह गया। जो लड़ने का टाइम था, वो रिलैक्स करने में बिता दिया, और उसी सांझ को वो बैतशेबा को देख के पाप में फंसा और व्यभिचार में चला गया। आज कौन सी कलीसिया फंसी है? जब फाइट करने का टाइम है, जब मॉर्निंग प्रेयर करने का टाइम है, जब इवनिंग प्रेयर करने का टाइम है, आपको टीवी ने घेरा हुआ है, प्रोग्राम्स ने घेरा हुआ है, बच्चों ने घेरा हुआ है, काम ने घेरा हुआ है, और फिर आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि आप कहां जाएंगे, क्योंकि वो शैतान बताएगा फिर आप कहां जाएंगे। लिखा, उस शाम को दाऊद अपनी छत पर टहल रहा था और उसने बैतशेबा को देखा। वो उसे औरत सुंदर लगी, उसने पूछवाया, ये वो उसी की पत्नी है? कहते हाँ। कहते इसको ले क्या? और लिखा, उस रात वो उसके साथ सोया और वो गर्भवती हुई।
और परमेश्वर ने उसको सजा दी, उसको पनिश किया। जहां से दाऊद निकला था, जिन पहाड़ों पे नंगे पैर वो काम करता था राजा बनने के बाद, उन्हीं पहाड़ों पे उसे नंगे पैर फिर से भटकना पड़ा। शैतान एक ऐसी चीज है, जहां से आप निकले हो वहीं से आपको हमेशा खींचता है, वो हमेशा उसकी ट्राई रहती आपको उसी पोजीशन पे लेके जाना, क्योंकि वो हायर पोजीशन से नफरत करता है, क्योंकि वो उस पोजीशन से गिरा हुआ है और उसकी ये जिद है कि मैं भी उस पोजीशन पे किसी को पहुंचने नहीं दूंगा। जैसे विश्वासी जाने की कोशिश करेगा, जैसे मैं गिरा हूं मैं उसको गिराऊंगा। और बाइबल कहती जिस समय राजा युद्ध करने को जाते थे उस समय दाऊद रिलैक्स कर रहा था, छत के ऊपर टहल रहा था आराम से। जब आपको मालूम है ये 40 फास्टिंग का टाइम है, ये 40 रोजे रखने का टाइम है, ये 10 रोजे रखने का टाइम है, ये 6 घंटे प्रार्थना करने का टाइम है, तो आप किसी पिक्चर को देखने के लिए नहीं जा सकते। आप समझ रहे हो कि नहीं? आपको मालूम है आपकी लाइफ फाइट के अंडर है, शैतान आप पे अटैक कर रहा है, आपको आगे बढ़ना है, आपको टेस्टिमनी बनानी है, आप रिलैक्स नहीं कर सकते। आपको स्पिरिचुअली माइंडेड होना है, आपको सोचना है कहां कमी, कहां प्रेयर की कमी, कहां फास्टिंग की कमी, कहां पवित्र टाइम में कमी, ताकि आप उस टाइम जब आपको आपका लड़ने का टाइम है आप रिलैक्स ना कर रहे हो। हालेलुया। आप घूमने के लिए शिमला जा सकते हो, पर उसी टाइम आप 6 घंटे प्रार्थना में भी रह सकते हो। परमेश्वर शारीरिक आराम को मना नहीं कर रहा, वो उस रिलैक्स की बात कर रहा है जब हम परमेश्वर से ध्यान हटा के संसारिक चीजों में अपना रिलैक्स ढूंढने की कोशिश करते हैं। आपको अपनी लाइफ के लिए सीरियस होना है, क्योंकि शैतान आपके पीछे है, वो आपको देख रहा है, आपकी कमियों को देख रहा है, कहां फंस सकते हैं वो वहां देख रहा है। कुछ लोग व्यभिचार में नहीं फंसते, पैसों में फंस जाते हैं, कुछ पैसों में नहीं फंसते, व्यभिचार में फंस जाते हैं। हालेलुया। आप जानते हैं शैतान आपको जब एक हाथ से मीठा देता है, दूसरे हाथ से वो चीजों को लेता है जिससे आपकी लाइफ, जिस पर आपकी लाइफ डिपेंड करती है। शैतान के साथ किया गया कोई भी सौदा फायदे का नहीं, 2 मिनट के लिए इंजॉय का हो सकता है पर फायदे का नहीं। कोई भी उसके साथ सौदा घाटे का है, वो कितना भी सुंदर क्यों ना हो वो घाटे का है। आज से कुछ साल पहले जब हम ये चर्च ये वाली जगह ले रहे थे, साथ की कुछ जगहें ले रहे थे कि कल को जब हमने भवन अंदर बनाना है तो हम बाहर बैठ सकें आराम से अपनी जगह पे, पार्किंग के लिए जगह हो, सब कुछ हो, तो जो लड़के जो टीम में थे वो लोगों के साथ बात करते थे कि ये वाली जमीन हमें चाहिए, रेट तय करते थे। और उनमें से एक लड़के ने जमीन में से दूसरे से कमीशन खा ली, इमेजिन करो। और मेरे एक रिश्तेदार को मालूम हो गया और उसने कहा, यार तेरे साथ जो लोग हैं, तेरे साथ रहने खड़े रहने वाले, वो कमीशने खाते हैं। मुझे बहुत बुरा लगा, मैंने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास जो लोग हैं अगर वो व्यभिचार में, अगर चोरी में, तो मेरे साथ खड़े नहीं रह सकते, वो फायर होंगे और कभी वापिस नहीं आएंगे यहां। और जब सब इंक्वायरी हुई तो उसे निकालना पड़ा, और उसे मालूम नहीं था उससे कुछ दिन पहले मैंने एक टीम मेंबर को गाड़ी दी थी 8 लाख रुपए की गिफ्ट, और मैं 2 गाड़ियां लेने वाला था और दूसरी गाड़ी उसके लिए थी, और होली स्पिरिट ने मुझे मना कर दिया था, और मुझे तब कारण मालूम नहीं था। मैंने कहा शायद होली स्पिरिट इसको 2 महीने बाद देगा या बाद में परमेश्वर से देने के लिए बोलेगा। लेकिन कुछ महीनों में उसका वो सारे स्कैंडल, उसके सब जो क्या बोलते भ्रष्टाचार, हाँ वो उसका निकल के आया। और जब वो उस 40,000 की चोरी कर रहा होगा, उसे ये मालूम नहीं था कि कोई ऊपर बैठा स्वर्ग में तेरी 8 लाख की गाड़ी रोक रहा है। उसे लग रहा ले अभी पर यहां जेबा अंदर कटा पता लगना। और मेरा हिसाब शुरू से था, जो है वो मुंह पे रखो, मैं जो यहाँ पुलपेट पे हूँ मेरी फैमिली जानती है, वो मैं आपके बीच में हूँ, अगर मैं घर पे वो नहीं हूँ तो मैं आपके सामने वो नहीं। और ऐसी मिनिस्ट्री, ऐसे लोगों को परमेश्वर लाइक करता। हालेलुया। क्योंकि मैंने देखा लोगों को पुलपेट से बड़ी बड़ी बातें करते हुए और फैमिली उनकी कुछ और सोचती है उनके बारे में। हालेलुया।
अगर आपकी फैमिली आपकी फैन नहीं है तो अभी आप प्रभु में चले नहीं हो। अगर नहीं है तो बनाओ उसे अपनी ब्लेसिंग से, फायर से, आग से। पास्टर्स के फैमिली अगर छोटी छोटी ब्लेसिंग्स के लिए तरसेगी, वो पास्टर के उस खुदा की पूजा कभी नहीं करेगी। पर उस पास्टर की फैमिली जब देखती है कि हमारे फादर के कारण हमें दुनिया घूमने का मौका मिल रहा है, अभी हम पैदा भी पूरी तरह से नहीं हुए, तो वो बोलेगी नहीं, जिसको तुम मानते हैं वो जीवित खुदा है और वही हमारा खुदा है। हालेलुया। आप जानते हैं परमेश्वर अब्राहम से प्यार क्यों करते थे? परमेश्वर ने कहा अब्राहम पे मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि अपने उसके जाने के बाद उसकी फैमिली मुझ में रहेगी। वो इतना सख्त था, हमारे घर 4 साल का बच्चा भी रात को प्रार्थना में बैठता है गैर भाषा में, 4 साल का। सोचो जब वो 14 का हो जाएगा वो क्या करेगा, वो आपकी अगुवाई करता होगा हाँ, क्योंकि वो अभी से प्रार्थना में बैठे है। जब आप स्पिरिचुअली अलर्ट हो, आप स्पिरिचुअली एक्टिव हो, आपकी आत्मा अलर्ट है, आप समझ जाओगे कहां कौन सा शैतान काम कर रहा है और कहां क्या चीज काम कर रही है, क्यों काम कर रही है, आपको सब चीजें मालूम होगी। और जब आपको मालूम होगी आप फाइट में जाओगे, प्रेयर में जाओगे और उसका हल होगा। अपने हाथों को उठा, बोलो थैंक यू जीसस, ऊंची आवाज में हिलाओ अपने हाथों को, बोलो आज से मैं अलर्ट होता हूं, मांगता हूं आत्माओं की परख को, खुदावंद मुझे आत्माओं की परख दे। मैं उसे जजमेंट करने के लिए नहीं, किसी का न्याय करने के लिए नहीं, किसी की निंदा करने के लिए नहीं, पर शैतान के तीरों को, योजनाओं को समझने के लिए करूंगा। और जब मैं उसे समझ जाऊंगा और उसके अनुसार प्रार्थना करूंगा तो मैं आजाद होऊंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं तैयार हूं इस वरदान को लेने के लिए। यीशु मसीह के नाम में यह वरदान आपके लाइफ में एंटर करे। और मैं आपको आपको बता रहा हूं होली स्पिरिट की अगुवाई से यह शुरू होगा आपके लाइफ में। मैंने कहा यह स्टार्ट होगा आपके लाइफ में ऑपरेट होना आज से। जब कोई रिश्तेदार आपसे बात करेगा, लोग आपसे बात करेंगे, आप पहचान जाएंगे कौन सा आत्मा इनके अंदर से बात कर रहा है। सुनो मेरी बात, परमेश्वर ने कहा पतरस मैं क्रूस पे चढ़ाया जाऊंगा, मुझे लोग मारेंगे, मेरे पे थूकेंगे, मेरे पे मुक्के मारेंगे, थप्पड़ मारेंगे, मुझे मार देंगे। पतरस कहता परमेश्वर खबरदार जो तूने दोबारा ऐसा बोला, तू खबरदार जो तूने ऐसा बोला, तू कभी नहीं मरेगा। परमेश्वर ने कहा शैतान मेरे सामने से क्या हो जा। आप जानते हैं जब आप आगे बढ़ रहे होते हैं आपके क्लोज पर्सन के अंदर से दुष्ट आत्मा काम कर सकता है, आपको परमेश्वर से हटा सकता है, आपके विश्वास को कमजोर कर सकता है। और अगर आपको आत्माओं की परख नहीं, आप घबरा जाएंगे और बोलेंगे नहीं तू शैतान है। उस पत्रस को जिसको 5 मिनट पहले प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे थे कि मैं तेरे पर बड़ी कलीसिया बनाऊंगा, स्वर्ग राज्य की कुंजियां दूंगा, जो तू नीचे खोल देगा ऊपर खुल जाएगा, नीचे बांध देगा ऊपर, उसको चढ़ा दिया था परमेश्वर ने हाई लेवल पे, और 5 मिनट बोल दिया तू शैतान है। क्योंकि वो बात पतरस ने नहीं, किसने बोली थी, कि तू अपना क्रूस कभी ना उठाए, क्योंकि अगर तू अपना क्रूस उठा लेगा तो मैं गया, उसे मालूम था। जब आत्माओं की परख आपके अंदर होती, आप अपने बेटे की बात भी परखोगे, अपनी मां की बात भी परखोगे, आप हर बात को देखोगे, परखोगे, और आपको मालूम होगा कि ये बात किसने बोली। आपका रिश्तेदार बड़े प्यार से आपके साथ आ रहे, पोते ना थोड़ी चर्च जाईदा, आपको भी लग रहा है कि नीम भूआ मेरी कि वधिया गल्ला कर दी मेरे ना, वो भूआ नहीं, वो क्या है, वो शैतान है। भूआ शैतान नहीं, लेकिन उसके पीछे क्या है। और जब आप समझ जाते हैं, आपको मालूम है कि नहीं ये मेरी भूआ नहीं बोल रही, कौन बोल रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर से पीछे करने के लिए इंसान उस दुष्ट आत्मा के द्वारा प्रेरित होकर कह रहे हालेलुया। क्योंकि आप जब इस विश्वास की वॉक पे, फेथ पे आप चल रहे होते तो शैतान आपको हटाने की कोशिश करता है। बाइबल कहती हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और एक दिन लोप हो गया, क्योंकि प्रभु ने उसे उठा लिया और उसकी एक गवाही सुनी गई थी कि उसने परमेश्वर को खुश किया।
ये आत्माओं की परख जब आपके पास होती, आप खुदा के साथ साथ चलने में आपको ये हेल्प करती, क्योंकि जब रुकावटें आएंगी, दुख और मुसीबतें आएंगी, ये परख आपको बताएगी कि आपको लगातार चलते, अड़े और खड़े रहने। आमेन। आपकी गवाही श्योर है चर्च। मैं आपको एक टेस्टिमनी के साथ ब्लेस करता हूं। आमीन। छोटा है इस डिक्लेरेशन के हिसाब से।